तमाम देखने वाले दोस्त अहबाब कलीफ व ज़मानी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। जहाँ कहीं से भी आप मुझे देख, आप सबको फिर इस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। इस प्लेटफार्म के तुम्हें आपको अनएक्सप्लोर और अनडिस्कवर प्लेसेस दिखाने की कोशिश करता हूँ और बहुत सारे एडवेंचर से भरपूर हिस्टोरिकल चीज़ें मैंने आपको इस यूट्यूब चैनल पर दिखा दिया। तो आज इस व्लॉग में भी आपको एक ऐसा हिस्टोरिकल चीज़ दिखाने लगा हूँ। मेरे बैग पर आपको ये जो बुत नज़र आ रहा है, बुत की जो एक स्टेचू नज़र आ रहा है, दरअसल ये बहुत ज़्यादा हैरान कुन है। जो स्टेचू है ये गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, गिलगित सिटी से गालिबा 10 से 12 किलोमीटर के फासले पे मौजूद ये स्टेचू है। मज़े की बात यह कि ये जो स्टेचू है ये आज से तकरीबन 3000 साल पहले कायम किया गया है। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री के मुताबिक 20 में ये कायम किया गया है। इसमें हैरंगी की बात यह है कि ये जो स्टेचू है ये एक पहाड़ के दामन में कायम किया है। जी दोस्तों, अभी जिस जगह पे बैठ के मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने गालिबा नीचे जो मैदान से यहाँ तक 15-20 मिनट का सफ़र तय किया है। और यहाँ पे जो है वो महकमे टूरिज़म वालों ने बहुत सारे सीढ़ियाँ लगा लगा के इसको काफ़ी डेकोरेट करके यहाँ तक पहुँचाया है। यहाँ पे हैरंगी की बात यह है कि आज से 3000 साल पहले की जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी ज़्यादा हैरतंगेज़ थी, उसके अंदर कितनी ज़्यादा ताकत था कि ये जो स्टैचू बनाया है। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि इससे जो इस स्टैचू के बिल्कुल ही नीचे यहाँ पे पैदल चलने का कोई आसान रास्ता नहीं है। यहाँ पर जो है ये बहुत सारी सीढ़ियाँ कायम है, ये सीढ़ियाँ काफ़ी मेहनत से लगाई है, जदीद टेक्नोलॉजी में बहुत सारा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इनको लगाया गया है। इसमें हैरानी की बात यह कि इतने कदीम सालों में इस स्टेचू को बनाने के लिए क्या किया होगा, किस तरह से बनाया है, इसको बनाने का मकसद क्या था, क्या जो बुद्धिस्ट जो प्रिंस था, जो बुद्धिज़्म का बानी था, उसने इसको क्यों बनाया था, इस हवाले से आपको मुकम्मल डिटेल दिखाने वाला हूं। इसके साथ साथ यहां के मुकामी लोगों का भी एक चीज़ है, मुकामी लोगों का भी इस हवाले से एक रवायत है, वो रवायत भी आपसे शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ मज़ीद आपको कुछ चीज़ें हैं वो भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये एरिया गिलगित सिटी से गालिबा 15 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। कहा यह जाता है कि ये जो मेरे बैग पर आपको नज़र आ रहा है स्टेचू बना हुआ, इस स्टेचू की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। इस स्टेचू को देखने के लिए सालाना जापान, कोरिया और दुनिया के दीगर ममालिक से लोग यहाँ पे आते हैं। अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये जो स्टेचू है ये बुतमत मज़हब के बानी प्रिंस सिद्धार्थ का स्टेचू समझा जाता है, बुद्धा, जिसे बुद्धा कहा जाता है, बुद्धिस्ट कहा जाता है। बुद्धिज़्म मज़हब के बारे में, जो बुद्धिज़्म मज़हब के बानी है उसका स्टेचू माना जाता है। मगर इसके साथ साथ यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के जो मुकामी लोग हैं, वो भी इस चीज़ के बारे में अपना एक फीलिंग रखते हैं, अपने एक राय रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के कदीम लोक दास्तानों में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको कहूँ कि इस स्टेचू से ज़्यादा यहाँ के मुकामी जो कहानियाँ हैं, लोक कहानियाँ हैं, उस बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये जो स्टेचू है यहाँ, ये बुद्धिज़्म की वजह से मशहूर नहीं है, बल्कि ये एरिया यहाँ के लोक कहानियों की वजह से मशहूर है। इसको यहाँ पे लोकल यठानी के नाम से याद करते हैं, इसको इसका नाम यठानी कहते हैं लोकल यहाँ पर। बेसिकली जिस रसा ने बताया कि ये बुद्धा का एक तारीख़ी मुजस्मा है, जो कि बड़ी महारत से यहाँ के उस टाइम पर बड़ी मेहनत से और नफासत से मनाया है। ज़ाहिर उस टाइम कोई क्रूज़ वगैरह भी नहीं थे, लेकिन ज़ाहिर बात है जो उस वक्त के अवेलेबल जो रिसोर्सेज थे, इतनी हाइट पे और इतना बड़ा मुजस्मा एक शाहकार है ये खुद। तो इसके बाद अभी आपको मैं वो कहानी बताने लगा हूँ जिसकी वजह से ये जो यह बहुत मशहूर हुआ। इससे पहले मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाने लगा हूँ, सिटी का व्यू, यहाँ की सिटी का व्यू। ये दोस्तों, ये जो नज़ा जगह आपको नज़र आ रहा है वहाँ से यहाँ तक गालिबा 180 या 200 फुट होगा। ये जो नीचे अभी मेरा कैमरा आपको दिखाएगा, ये देखें,
ये देखो, ये जो एरिया है इसको बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है, इस वजह से ये एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है। इससे पहले अगर मैं आपको दिखा सके तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, यहाँ पे पैदल चलना कोई आसान काम नहीं है, मगर आज से 300 साल पहले इसको कायम कैसे किया गया है, ये अपने अंदर एक हैरत अंगेज़ एक एडवेंचर रखता है। मगर इससे पहले ये जो एरिया है ये गिलगित सिटी के साइट एरिया है, यहाँ पे इसको बसिंग कहा जाता है, यहाँ कुछ नपुर का एरिया है, उसके बाद इसको कुछ यहाँ ये जो एरिया है इसको शुट कहा जाता है, यहाँ के मुकामी लोग यहाँ पे आबाद है। अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो पहले यहाँ मुकामी लोग आबाद थे, मगर आज गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ साइटों से आके यहाँ पर लोग आबाद है। इसके बाद अभी हम आपको ये जो है ये जो एरिया इसको करगा नाला कहते हैं, और इसको जो है करगा बुत कहते हैं। अगर मेरे कैमरा आपको दिखा सके तो ये जो है ये करगा बुत है। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये जो बुत आपको नज़र आ रहा है, दरअसल इसको जो है वो पत्थर को तराश के बनाया गया है। आज से 3000 साल पहले के लोगों के पास ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी थी, पत्थर को काटने के लिए उनके पास कौन से औजार थे, ये तो हमें नहीं पता, मगर इस चीज़ से हमें ये बात वाजह होती है कि उनके जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज़्यादा मशहूर थी। अभी हमारे एक दोस्त ने आपको बता दिया यशानी के बारे में, अभी हम आपको यशानी के बारे में एक ख़ास स्टोरी सुनाने वाले हैं। यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त भी आए हुए हैं, यहाँ पे सिकाई अकेडमी के स्टूडेंट भी आए हुए हैं, उसके साथ उनके असातिज़ाए कराम भी साथ मौजूद है, तो इनके बारे में एक कहानी जो लोग गिलगित बल्तिस्तान के लोग दास्तानों में बहुत ज़्यादा मशहूर है, उस हवाले से आपको बताने की कोशिश करेंगे।